हेलो दोस्तों, मैं हूं केआर मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्ज नॉलेज में। दोस्तों, कमेंट आया था कि हॉस्टल या रूम में कौन बेहतर होता है, ठीक है, कौन बढ़िया पड़ता है स्टूडेंट के लिए। देखिए, पहले खासियत बताते हैं हॉस्टल का, फिर बताते हैं रूम का खासियत। मैंने दोनों में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है, तो आप जैसा चाहें। पहली बात तो हम हॉस्टल की बात करते हैं। हॉस्टल में आपको ये होता है, दिन में एक बार खाना मिलता है। सभी हॉस्टलों की बात करें तो लमसम 12 बजे के बाद ही 1-2 बजे आपको खाना मिलता है, ठीक है, एक टाइम, ठीक है। सुबह में आपको एक टाइम केवल नाश्ता मिल जाएगा, सुबह 7-8 बजे लमसम चाय मिल सकता है, चाय समोसे कभी मिल सकते हैं, कभी चाय ब्रेड मिल सकते हैं, कभी चाय चने या कभी जलेबी या चने मिल सकते हैं, ठीक है। हर हॉस्टलों की बात बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। हॉस्टल की बात करते हैं, ये आपको सुबह मिल सकता है, फिर 2 बजे आपको खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर रात में आपको 9 बजे के बाद ही खाना मिलेगा, यानी 9:30 बजे 9:45 पे खाना आपको मिल जाएगा रात में। तो 2 टाइम खाना मिलता है, एक रात में एक दोपहर में, ठीक है ना। ये हॉस्टल का शेड्यूल होता है। बाकी हॉस्टल का फ़ीस भी लगता है, वो हॉस्टल का जो फ़ीस आपको लगता है वो स्कॉलरशिप में आ जाता है, ठीक है, हॉस्टल का केवल फ़ीस, ठीक है। बाकी कुछ सिक्योरिटी फ़ीस भी लगता है जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो वो मिल जाता है। बाकी हॉस्टल का फ़ीस तो आपको स्कॉलरशिप में रिटर्न हो जाता है, सिक्योरिटी फ़ीस आप जब छोड़ेंगे हॉस्टल तब मिल जाता है। लेकिन आपको खाने का हमेशा हर हॉस्टल का अलग अलग होता है, किसी का 3,000 होता है, किसी का 4,000 होता है, मैक्सिमम 3,000 से ज़्यादा नहीं होता, लमसम 3,000-3,500 इससे इतना ही होता है, 3,000 से 4,000 के बीच में ही रहता है हॉस्टलों का मेस हाउस का, ठीक है, जिसमें आप हर सुविधाएं लेते हैं, ठीक है। ये रहा हॉस्टल की सुविधाएं। हॉस्टल में ये है कि आप हॉस्टल में एक रूम में 2 बच्चे या मैक्सिमम 3 बच्चे, 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते हैं, 3 बच्चे रहेंगे आपका, 3 अलग अलग बेड रहेगा, 3 फैन रहेगा, 3 अलमारी रहेंगी, ठीक है, हर चीज़ सेपरेट रहता है, मतलब एक ही रूम में, ठीक है, हर चीज़ व्यवस्था रहती है। तो अगर बगल वाला पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं, ठीक है, किसी की पटेदारी करने वाले, जैसा कि रूम वूम लेते हैं बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बहुत टेंशन हो जाता है, ठीक है, पटेदारी वाले की, वो अगर मान लीजिए आप रूम लेकर रहते हैं तो बर्तन धुलने वाला प्रॉब्लम, खाना बनाने वाला प्रॉब्लम, मार्केट करने वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब समस्याएं आती हैं। तो जैसा कि अगर कोई एक भी सर्वाइव नहीं किया है कभी भी बाहर रह के, तो उसके लिए तो और भी दिक्कत है, रोटी बनाने ही नहीं आता उसको, समस्याएँ गंभीर रहती है, ठीक है। जैसा कि मैं अनुभव किया हूँ, मैं ये सब क्या हूँ, बहुत दिनों से शहर में पढ़ रहा हूँ, तो हमने अनुभव किया है, तो ये वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं होती है सब हॉस्टल में, केवल आप दूसरे का देख के आप पढ़ते हैं। हॉस्टलों में थोड़ा मस्ती मजाक भी होता है जैसा कि हॉस्टल होता है, तो ठीक है। बाकी और है, पढ़ाई भी होती है, जैसा कि 3 इडियट मूवी आप देखे ही होंगे तो आप समझ सकते हैं हॉस्टल कैसा होता है। हर जगह का हॉस्टल लाइक अब उसी तरह होता है, हल्का सा, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि वो दिखाया गया, ठीक है। बाकी हॉस्टल की बात है, आप रूम की बात करते हैं, रूम में आपको खाना बनाना पड़ेगा 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, अगर एक ही टाइम बनाएंगे तो तमाम दिक्कतें रहती है। लेकिन हॉस्टल में ये होता है, फिक्स होता है कि आपको खाना वाना बनाना ही पड़ेगा, ये है। अब बात करते हैं कि हॉस्टल महंगा पड़ेगा कि रूम महंगा पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताऊं, हॉस्टल महंगा पड़ जाता है रूम की अपेक्षा। रूम में आप मेंटेन करके रह सकते हैं, रूम आपको अगर लाइक अगर हम उदाहरण दे के कहीं की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2,500, 2,700, 3,000 देते हैं, 3,000 तक आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना, अगर 2 लोग रहना है तो कहीं कहीं एडजस्ट होकर 3 लोग भी रह लेते हैं, कहीं कहीं 2 लोग रहते हैं तो 1,500-1,500 पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे हिसाब से खाने के ऊपर तो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो देखने से दोनों ही बेहतर हैं, आप देख सकते हैं। बाहर रहेंगे तो ये होता है, मान लीजिए रूम लेकर रहना है बाहर, तो ये होता है कि आप कभी भी रात में कहीं भी आना जाना या अकस्मत कुछ, वहाँ हॉस्टल में रहने पर यह होता है कि आप टाइम से रात में निकलेंगे, टाइम से ही पहले आ जाएंगे, नहीं तो गेट वेट बंद हो जाता है, ऐसा सिस्टम रहता है हॉस्टल में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नियम से रहना होता है। रूम और बाहर रूम की बात करें तो थोड़ा रिलैक्स होता है। बाकी आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बढ़िया ही है, हॉस्टल भी बढ़िया होता है, रूम भी बढ़िया होता है, ठीक है। हॉस्टल में वो होता है कि आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने को ज़्यादा समय मिलेगा अगर आप पढ़ें तो, ठीक है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि रूम वाले जो लेकर रहते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। दोनों जगह बेहतर है, आप खुद समीक्षा कर लीजिए कि कौन बेहतर है आपके लिए, ठीक है। बाकी हम तो कहेंगे दोनों ही बेहतर है जैसा आप समझिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए।